मतलब ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हर एक डेली शो के अंदर या फिर कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, लव ट्रायंगल बहुत ही पसंद किया जाता है। लव ट्रायंगल की जो स्टोरी होती है हमेशा से ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती रही है, और एकता कपूर ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उनके सभी शो में आपको लव ट्रायंगल देखने को ज़रूर से मिलेगा। वहीं बात करें मोलक की शो के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको लव ट्रायंगल देखने को मिला था, और यही वजह है कि शो इतने लंबे टाइम तक ऑन एयर रहा, और आज भी ऑडियंस में शो का क्रेज़ देखा जा रहा है। आज भी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है सीज़न टू को लेकर। आपको बता दें खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि शो का सीज़न टू आने वाला है। जी हाँ, लव ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे साक्षी के कैरेक्टर में तोलर राजपुत्र और अमर उपाध्याय, यहाँ पर वीरेंद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर में, और वहीं उनके अपोजिट पूर्वी के कैरेक्टर में प्रियल महाजन नज़र आ रही थी। इन तीनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुई। लव ट्रायंगल पर बेस्ड था ये शो और स्टोरी कुछ और थी, लेकिन बाद में इसे लव ट्रायंगल बनाया गया था, और जिस वजह से शो की TRP और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई और लंबे टाइम तक ये शो ऑन एयर हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे सीज़न टू की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, एक बार फिर से लोग डिमांड कर रहे हैं शो के सीज़न टू को देखने के लिए। जी हाँ, सीज़न फर्स्ट की अगर बात करें तो सुपर डुपर हिट साबित हुआ है शो, जहाँ पर पूर्वी और वीरेंद्र की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है। दोनों में उम्र डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, आपको पता है बंदनी शो का रीमेक बोल रहे थे लोग इसे, बंदनी शो का सीज़न टू बोल रहे थे, सो कहीं ना कहीं उससे रिलेट तो करती थी स्टोरी, लेकिन स्टोरी में काफ़ी फ़र्क था, और यही वजह रही कि ये उस शो का सीज़न टू नहीं था। और आपको बता दें सीज़न टू की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है मोलक की शो के, तो यहाँ पर सीज़न टू में आखिर किस तरीके से स्टार्टिंग होगी और जो कमी सीज़न फर्स्ट में रही है उसे पूरी करते हुए मेकर्स ज़रूर से नज़र आएंगे, ताकि सीज़न टू सुपर डुपर से भी ज़्यादा ऊपर वाला साबित हो। कितना एक्साइटेड हैं आप मोलक के शो के सीज़न टू के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन है वो स्टारकास्ट जिसे आप देखना चाहते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर पूर्वी के कैरेक्टर में तो आप प्रियल महाजन को ही देखना चाहेंगे, और वीरेंद्र प्रताप के कैरेक्टर में अमर उपाध्याय को ही देखना चाहेंगे लेफ्ट एंगल की भूमिका निभाते हुए। क्या तोरल राजपूत को एक बार फिर से देखना चाहेंगे साक्षी के कैरेक्टर में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कौन हो सकती है वो स्टारकास्ट जो कि होगी आपकी ज़्यादा फेवरेट, ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।